भाई साहब एक थी बैंगन फरा बाटे, एका ई पक गबा हमें लागत थी वाइट वाला बैंगन रहा है, और अब ये हो चुका है एकदम पीला। ये देखो कितना प्यारा सा बैंगन है, ये बहुत खूबसूरत सा है। और इसके साथ एक और लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत पेड़ नहीं है, पेड़ देखोगे तो बहुत ही छोटा सा है, पतला सा, ये देखो, लेकिन बारिश में टिका हुआ है अपने दो फल के साथ, वो भी पका दिया इसने, बीज तैयार कर दिया है। ये देखो मिर्ची भी लगी हुई है, नहीं वो कपड़ा है, मिर्ची तो खैर नहीं लगी हुई है, छोटी मोटी खेती लोग कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें निकल आएँ और खाने के लिए हो जाएं। लेकिन ये है ना, और भी चीज़ें दिखाती हूँ आपको, चलो आओ 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 दिखाती हूँ। ये है गाय, जो किसे बोलते हैं देसी गाय, ये वाली देसी गाय है, इसका दूध ना भैंस के जितना मीठा होता है, ये वाली जो गाय देती है, ये वाली, इसका बच्चा यहीं कहीं बंधा हुआ है, तो इसे टपके मैं चलूंगी। अब ये यूं इधर रखा पे, आओ चलो मूव करते हैं, कुकुर मुत्ता दिखाते हैं आपको गांव में। देखो ये हैं दो मेरे दो अनमोल रतन, ये देखो कैसे उगे हुए हैं भाई साहब, कितनी खूबसूरती के साथ उगे हैं ये तो, ये जैसे लग रहा है इनके जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं, एकदम बारिश वारिश। ओ नहीं 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 गिरना नहीं गिरना नहीं, ओहो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कितना खूबसूरत छतरी था ये, मैंने छुआ और ये भाई साहब एकदम ऊपर थे, निकल के आ गए, क्या बताऊँ, इनका जोड़ा मैंने अकेला कर दिया। तो इसे शायद खाते भी हैं, मुझे नहीं पता ये वाला खाते हैं कि दूसरा वाला खाते हैं, शायद दूसरा वाला खाते हैं, ये वाला नहीं खाते हैं। यहाँ पे हमारे जो ये मशीनें लगी हुई हैं ना, यहाँ पे ये बड़ी मम्मी की है और वो है मेरी वाली मशीन, उस पर कटाई होती थी, और वहाँ वो आपको जो दिख रहा है ना ईंट के बीच में होल, वहाँ से ना मोटर लगा हुआ है, मोटर से मशीन को सेट किया जाता है और फिर घास की कटाई हो जाती है, फ़िलहाल के लिए वो बंद है। और यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारे भंफोड़ निकलते हैं, भंफोड़ इन द सेंस की मशरूम, गांव में मशरूम को भंफोड़ बोलते हैं, और वो बहुत सारे निकलते हैं। और आपको दिखाती हूँ ये जगह जगह आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जिमीकंद का पौधा है, ये वाला ये जिमीकंद है, और एक टाइम बाद ये बड़ा हो जाता है, जब इसकी खुदाई होती है तो अच्छा वाला जिमीकंद निकलता है, और देसी वाला, इसका देखो पौधा बड़ा हो गया, एक दो बार लगा दो इसको ना तो ये अच्छा ग्रो करता है, और इसे फिर लगाना नहीं पड़ता है, यह ऑटोमेटिक होता ही रहता है। बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे, लोग देखो मतलब कितनी कम जगह में कितनी ज़्यादा चीज़ें उगाने की कोशिश करते हैं। और ये है उस देसी वाली जो गाय थी उसका बच्चा, देखो हेलो, वो देखो सरियम ठेला पड़ा हुआ है, देखो हे हेलो हेलो, मैं कुछ दे नहीं सकती क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मारो ना, खैर ट्राई करती हूँ थोड़ा सा देने की कोशिश करती हूँ, घास पहले निकालती हूँ। ये लो ले लो खा लो ना, बहुत प्यार से लाई हूँ, हाँ खा तो रहा है ये लो मारा भी नहीं इसने, खा रहा है, धीरे धीरे खा जाएगा, छोटा है इसलिए टाइम लेगा। और इनके बीच में ये तालाब भरा हुआ है, मतलब यहाँ नीमा था तो शायद पानी वानी भर गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि उधर लोगों ने ऊंचा कर रखा है। ये देखो बड़े पापा की भैंस है, और वो आपको सरिया में गाय दिख रही है, वो है गाय देखो, और ये देखो ये कोशिश कर रही हैं कि इनको पेड़ का पत्ता मिल जाए खाने के लिए, और ये खा ले, पर इनको मिल नहीं रहा है। और उधर देखो खेत की हिंगाई हो रही है, देखो देखो कैसे हिंगा रहे हैं उसके ऊपर खड़े हो करके, ये देखो, चलो उसकी वीडियो में शूट करके लाती हूँ।
ये देखो कितना ट्राई कर रही है, मुझे डर लगता है इन लोगों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे की